पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढो रहे हो तुम, एक मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे, कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे या यहीं की यही रहेगी और वो सत्यानाश करवाएंगे इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में दान रखो भाई इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी जिसको ठीक है चिपके बैठा, उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर, जो उद्देश्य लेकर तू उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहा है उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला है, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है, ये किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में, और बकवाद करने लग गए, कोठी बना लूँ, बंगला बना लूँ, गुटी ला लूँ, डीजे बजा लूँ। ये कोरी बकवाद है। एक दो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा,
और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकर कितने को बरस हो गए किसे का सरणी सत्संग में बैठे तो ना डलाएं जाएंगे ऐसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु गर्व ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं, तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगे जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा चल ले इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है महाराज जी, भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा अग भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है और फिर राजा है ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊँगा और तब आपको बताऊँगा विस्तार से, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया वह इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुंचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गए सिंहासन पर और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी और काफ़ी वजीर वजार उसके वहाँ खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहाँ सैनिक भी खड़े थे बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों इस व्यक्ति को अरेस्ट करो, राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा को कैसे अरेस्ट कर ले, दो बार कहा तीसरी बार कहा अरे सुना नहीं तुमने। राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने सोची तो भाई कति दृढ़ हो गया कति राजा पाठ मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिक को अरेस्ट करो इसको, इतना कहना ही था उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बाँ पकड़ ली सिपाहियों ने चरचरा ना के, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन घराए आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका, ये क्या खाक उत्तर दिया। राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो संत ने कहा कि देखो जी आप राजा हो, ये आपके सेना है, अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने, तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं, इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं, जो वचन मैं दूंगा और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे, आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे, समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो राजा राणा राव रंग सावधान क्यों ना हो, एक दिन ऐसा होगा सब ते बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब एक मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे त
तब इन्हों के पछाड़ खा खर होगी, सुरता तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं, गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता, कहा बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो, उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़ गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चिती पोले, एक हरी के नाम बिना यू काल मार रहा रोले। ओए ओए ओए। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, दो दो तीन तीन मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी हैं। एक परमात्मा की भक्ति बिना युग काल त्री रोल मार रहा है, इतना मूर्ख बना रहा है, एक सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और फिर गदा बन के घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इसे आगे भी कुछ है, वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं, कहा चिनावे मेडिया लंबी बीत उसार, गर तो साढ़े तीन हाथ वही घना तपोण चार। परमात्मा कहे हैं के खुशी मना रहा है, लंबी लंबी चार दुवारी बनाकर ऊपर नियम बरवा के, कि गरता साढ़े तीन हाथ गणा तो पौने चार, और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर साढ़े तीन हाथ का होता है, हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ साढ़े तीन हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो छह कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पर एक कोण में वही रसो सकता कोई से मसोले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो, जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, एक दो कमरे चार जिसे तेरे बना ले, और ना ब्योता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले, सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पर, ये समर्थ थे, एक वर्ड में एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रह सकते हैं, पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार न्यों के न्यों सूर्य चांद बना रखे, तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो, घना जरूरत नहीं यहाँ बकवादों की, यदि तुमने यहाँ भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, फिर परमात्मा कहते ज्यो रखे त्यों ही रहूं, कैसे ही रखे मालिक, चाहे अपने सुख कार दे कोठी दे नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है साढ़े तीन हाथ और पौने चार का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको, ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है, अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे,
तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की स्थिति बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रो वे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे लिए, क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है, उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपर फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो महाराज जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गए, हम सफ़ेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टे तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था, आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरुवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टरों ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रह रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, अरे जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसे ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की एक रीति है और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं और अपनी चिंता फिर नहीं रहती, हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे, एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तें, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह ही एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है, एक आवे पोता आ गया दादे की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करा मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे।
पूरी पृथ्वी का राजा, यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार वो डड़े ढो रहा है। जब राजा डड़े ढो रहा है तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है, और परमात्मा कहते हैं वो भी डड़े ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीज़ों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के और उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बिगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, थ्री व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे तीन पहिया वाले सवारी के, उनमें से एक एक दिन आया नहीं। दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में, पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तक मैं वैसे मेरा यू थ्री व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर तक डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, रून कोर खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाह पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिए कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग गया फिर है, दौड़ा दौड़ा फिर इसका थ्री व्हीलर, और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और नो दिखा था बड़ा दौर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000-1000 रुपये, तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चल रहे हैं और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और मारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा, यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस थ्री व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाठ दिखे, लेकिन वो अपने घर तक पूंजी नष्ट कर रहा है, अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अश गए अनंत।
बिन उपदेश अचंब है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहा ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने, इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा है, तेने करना क्या चाहिए था, और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा, चाहे कितने कुबद कुमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा, और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े कर्म बिगाड़े थे, वो जो के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना कठोर है, ये नर नहीं मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है, इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर ना ही ये पाषाण, जिनके इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान होंगे, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे अभी आपने सुना कि मिलना भाग ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता, और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहाँ से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कठोर है, ये नर ना ही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय, पुण्यात्माओं कलेजा फटफट आओगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सुख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे पड़दादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं, अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति कि ठोर ठिकाना। अब यहाँ समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोलें कई जगह उसको, और मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहाँ कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रुति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है, वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए,
ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक दुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं अग गए ना बावड़े रहते भी सबजा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहां प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रहे हैं भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहा कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके पुण्यों के आधार से, वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल, और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो आगे नेक्स्ट जीवन, और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसार शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख लिया, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसार शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने, और सुतक दिन रहती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वह कितने तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे है, और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम के सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़े ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने, जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता, यहाँ आप देख रहे हो कोई कितने का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितने तो भाई आया हुआ है, और सब को इतनी आदर देते हैं बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को बिना दिया जाए यहाँ पर, यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे। तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा, और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, सौ सौ रोग कटेंगे बुढ़ापे में, तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम है, रोग भी घर करें, आँखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्राव है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने वचन खारे कुत्ते तावन का भी सुख को ना, ये छाती फूकन हारे। जो बिना ज्ञान की बहू न्यो उलाने दिया करे बुढ़ा बुढ़िया ने, पुराने समय में बुढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर रोड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन कीते गए बढ़ जा, वो क्रोध मस्ता रहेगा अंदर जाकर ने, तो दूध दाध या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे
और कुत्ते ताऊन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकन हारे। वह बहू फिर ये चमोल्य सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना अटा सकते, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उसमें वो गरीब होकर रोता है और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधु को या सास अपनी वधु को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहु वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा, एक नहीं दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुखी खो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। अब क्या बताते हैं कि संसार शोक सराय में सूतक दिन रहती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहाँ तो सारे उम्र दुख में काटेगा बुढ़ापे में बूढ़ा, स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूध घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शकल दिखाई देती है, अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है सूक्ष्म रूप से, जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहाँ भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ कर भाग लेगा शरीर को जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री वर्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर ना भी विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के, फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते हैं, यहाँ भी यहाँ ये कर ले बता कर, ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ ऐसे कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहाँ ऐसे कराते हुए त्रिकुटी पर पहुँच जाओगे, वहाँ परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में, और वहाँ फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहाँ अकाउंट क्लियर होगा, और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहाँ का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे, और घरवाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया मरिया नहीं, वो तो सतलोक पहुँच गया। हरणा कुछ मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसको प्रामांडी पाके बैठे थे, कहते हिरण्यकश्यपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और न्यू कहता मैं ही हूँ, मैं भगवान हूँ, हल्दी की गांठ प्राप्त करके पांच चार वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूँ ना श्याम मरूँ, दिन में मरूँ ना रात मरूँ, पशु से मरूँ ना पक्षी से मरूँ, मनुष्य मरूँ ना फलाने से मरूँ, और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूँ सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में हिरण्यकश्यपु मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते या ब्रह्म मैटी होगी इन लोगों की, हिरण्यकश्यपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरणा कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, ऊँ तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, ऊँ तो भगत और भक्ति करे और कर्म कसाई आले। तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट पाड़ के गिर दिया। हरना कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई,
कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़े पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती, और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, थोड़े पावर का जो इस पूरे संसार ने तो पर्याप्त है, इतनी पावर दास को दे रखी है। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास जो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहाँ कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है, और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहाँ बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहाँ एंड होता ही नहीं, और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहाँ से, अगर यहाँ को जरूरत ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जिव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इस अच्छे जगह पर मुँह तो हम सबसे उत्तम मान्य है, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तो फिर ईसा जुलम करेगी। कहते हैं अतः पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। एक कमज़ोर व्यक्ति को, एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है, उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे, तो अच्छा तो कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन भोरे की, तकुरी चरण जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का बस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह, कुरड़ी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मास गिलावे। पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान, अरमंडी चीती पोल, एक भगवान के भजन बनायू काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहाँ पढ़ता है ना पढ़ता है, वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है भगवान वाले स्कूल के लिए, आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है, तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तो पशुआ की जय, दीजे बैल बना। ओए होए, तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं,
आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है, आजकल कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाठ तक खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे कर भेज रखे। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे, मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहाँ रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी हैं, तो उसे क्या होगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और चार पहर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर भरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सिंग दिए मन बोरे और दूम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे बैल बने पाछे, एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्म इन प्राणी के वहाँ भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें न्यू न्यू कराया गया है वो ना कुछ काम का वह। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये त्री तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं कि कंद जुआ जोत कुआ, पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तो रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से सिंचाई, उसमें बैल जोते जाते थे और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते हुए आँखों पानी पड़े और भूखा मरते खानी पड़े। तो परमात्मा कहते या द्रुपति तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोते कुआ और खाओगा क्या, वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा, दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक़्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी, वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते दो चार कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, पैर को लंग करने लगा पैर से बैल, तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और ओ जागा ठीक वहाँ तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती बैल का लंग करता तो अन्य बड़े स्याणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टिकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा, और शाम ने जब आया शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई, आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसके तो सोई ज़्यादा होगी, सुबह उठा नहीं, तो ऐसे ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में, किसी ने बताया देख जा कर कि इसके घुटने पर बा आ गया, बा अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने तक,
और कीला गिरी खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांध दे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है, और जब अपला तुन पाक रहा था जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वकील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं, ना वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी पत्थर कंकर लायक के। 1 महीने 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रेगी तो भाई यहाँ समस्या है, फिर कोई बुलाया से ही। वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल करेल को कील निकाली बाहर, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्मा उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया, वो बात फिर बाद याद आने लगी जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीव का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुराणी तू पेंडा पंत पकड़वो हो। ये सुख संवेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने, सुखदेव एक ऋषि हुए हैं महर्षि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बण्या पजावे खर, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार मैं बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया, वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका माँ फंस गया, आगे मुँह टिक गया, गर्दन और पीछे थे कमर फंस गई, उसमें फेट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहाँ किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अपनी भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, ये छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार कर और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े वो, पेंडा यानी मार्ग, पेड़ा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर, कौन सा जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहाँ भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें, और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जब आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका
हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, इसलिए रह रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका गति मूल से नष्ट हो जाए और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौडी समझ रहे थे और कौडियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते उनको लाल समझ कर हम डड़े ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ह ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है, अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, दो बच्चे आपको बताया था सत्संग में, बहुत बार बताता है दास, लड़का एक लड़की, किसी किस फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। दो माता पिता थे, मुँह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का, वो निसंतान थे। कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहाँ से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारणक कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ ना ही ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आणको आया जगत करे मेरी ऐसी है। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने, और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं तो सफल नहीं हो सकता, ओनली केवल मंत्र देने मात्र ते आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये पांचों यज्ञ समझो खाद पानी है, तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे। जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया क्रया करते हैं, जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहाँ भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना हो वे मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं, ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है।